अरे आज ही ओपनिंग है ना, आज ओपनिंग है। ये फोन किसका है इधर? हाँ एक सेकेंड, वो तो फोन किसका है इधर? और जो जिसको फोन चाहिए वो पहले अपनी आइडेंटिटी दे मुझे। भाई ऐसा है, वो तो फोन नहीं रखना, मैं बोलेगा भैया। एक साथ
एक मिनट यहाँ पे देखिए फोन में थैंक यू आई नीड आली एंड मी बी एंड नंबर ऑफ पीस अच्छा या वो नंबर है ना ये भाई पीछे पीछे आ जाओ यार ए भाई जोयता मैम आओ ना जोयता मैम को मिलो अरे नहीं आ जाओ कटिंग कम नो आओ जोयता मैम मैम आइए नहीं वो मैडम को साइड नहीं चलेगा ठीक है कनेक्ट रोल गाइस स्टार्ट करें चलो आशु जी थैंक यू सो मच रियली गुड टू सी यू टेल अस आलिया व्हाई दीपिका व्हाई नॉट समबडी एल्स Because I love Deepika. I watched as a favorite serial of mine, and I really liked Deepika as a singer. That's why. And then Najmal also, I watched on a really like, she would come for me. This, and when Shruti said she is coming, I'm so happy, I'm so excited to seeing her here. I'm wearing my outfit, it's really glad. I'm very fond of Indian ethnic wear and Indo-Western also. And when Shruti came up to me and she said there is a store which has to be opened and this is the collection, I really loved the collection. And after looking at it, I was like, yes, I think it's a very good idea. We should go for it. And a lot of people know this, that Lokhandwala, the entire strip, there are a lot of good designers, so I'm always fascinated to this trip of shopping, and I was more than happy that you are coming up with a store here, because I come here very frequently, so I'll keep coming now. Thank you so much. जो आपने dress पहन रखा है वो बहुत अच्छा लग रहा है. ये चुनाव कैसे किया? क्या आपको आलिया ने पहले बुलाया था? आप देख लीजिए क्या पसंद करेंगी. Actually, मेरा पिछले कुछ दिनों में जो है schedule बहुत ज़्यादा hectic रहा है. So I'm very thankful to आलिया कि she understood my point and उन्होंने मुझे photograph options भेजे थे. बहुत डिफ़िकल्ट था ये चॉइस बनाना. लेट मी टेल यू दैट. अभी ये बात निकली है तो बहुत डिफ़िकल्ट था. श्रुति ने मुझे काफ़ी सारे पिक्चर्स भेजे एंड आई वाज लाइक कौन सा उठाया जाए, बिकॉज हर कोई अपने आप में बहुत बेस्ट था. तो ऑनेस्टली मैंने कोई एक शॉर्टलिस्ट करके नहीं दिया था. मैंने दो या तीन पिक्चर्स भेजे थे. आई वाज लाइक इसमें से कोई एक जो आपके हिसाब से सही है वो दे दो, बिकॉज आई वाज नॉट इन अ कंडीशन टू पिक वन अप. सो उन्होंने मुझे ये भेजा एंड ऑफ कोर्स आई लव्ड इट. ओके, फैशन मंत्रा, आपका फैशन मंत्रा क्या है? मेरा सबसे सिंपल फैशन मंत्रा है कि जो भी आप कंफर्टेबल हो कैरी करने में, आई थिंक आपको वही पहनना चाहिए. बिकॉज फैशन चाहे जो भी ट्रेंड चल रहा हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे और अगर आप उसको सही से कैरी नहीं कर पाओगे तो वो आप पे खूबसूरत लग ही नहीं सकता. इसलिए जो भी आप कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द फैशन ट्रेंड जो आप कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द फैशन ट्रेंड वही आपको पहनना चाहिए. ओके, बहुत डिज़ाइनर हैं. अगर मैं इस खास एरिए की बात करूँ, आलिया में क्या खास है एज अ डिज़ाइनर जो अलग करता है आलिया? आई थिंक द डिटेलिंग इन हर वर्क, मुझे वो बहुत पसंद आया जो डिटेलिंग वो करती हैं. जैसे इस आउटफिट पे भी जो काम इन्होंने किया है, जो कलर्स का ब्लेंड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. ऑल्सो जो इंडो वेस्टर्न का मिक्सचर इन्होंने इनके काफ़ी आउटफिट्स में आपको दिखाई देगा वो मुझे बहुत पसंद आया. सो या दीज टू थिंग्स आर रियली लाइक. तो प्लीज़ तो आपने मेहंदी भी किया, तो आपने आज के लिए किए या नहीं? नहीं, एक्चुअली ईद थी कल, तो परसों, उस वजह से मेहंदी और सारी तैयारियां थी. कुछ बताना चाहिए किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने ईद पूजा? ईद की सेलिब्रेशन हर बार की तरह मेरे घर पे हमने सारे फ्रेंड्स को बुलाया था एंड बस अच्छा सा दावत थी, अच्छी सी, बहुत सारा खाना बनाया, बहुत सारा खाया खिलाया भी. ओके, आलिया दीपिका के अलावा और कौन सी दीपिका इसके लिए आप डिज़ाइन करना चाहें?
और कौन सी दीपिका है जी? वैसे तो क्लाइंट्स हैं मेरे काफ़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोखंडवाला में आते हैं, जैसे इन्होंने कहा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं शॉपिंग के लिए, तो आई हैव सम नाइस सेलिब्रिटीज़ हु वेयर्स माय क्लोथ्स, अच्छा है। बट दीपिका के अलावा अगर इंडस्ट्री में आप टीवी इंडस्ट्री से बोलो तो आई लाइक दिव्यांका त्रिपाठी ऑल्सो, शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड बेस्ट दिस थिंग चॉइस फॉर दिस। And for actors, as you're saying, so I like Sonam Kapoor a lot. I like her styling, how she wears, and Indo-Western cuts ke saath. I really like that. And mera khud ka mantra yehi hai ke main jo bhi banati hoon with the detailing of contemporary look, like handwork job, handwork karigari we do a lot. Like handwork mein we can take a jardozi, dapka work, gota patti work, all for bridals. And bridal ke saath saath bridesmaids as well, their family members like mothers and all, we take orders according to that. So mere jo work mein and designing mein mostly western cut, western look, western silhouettes milenge, but Indian embroidery, Indian embroidery ke saath. Wo mujhe bahut pasand hai, fusion karna, combination karna, like that. To future mein koi production house ke saath aap tie up kare bade bade? इंशाल्लाह व्हाई नॉट होगा, अगर टाई अप तो डेफिनेटली करेंगे, अभी फ्यूचर प्लान्स आई डोंट नो क्या है बट डेफिनेटली इंशाल्लाह। मैम अभी नजबली खत्म हुआ है, आपका शो भी अभी आप पहले कर रहे थे, तो आगे की अभी क्या प्लानिंग है? क्या आप फिलहाल तो कुछ दिन आराम करना है, फिल्मों में मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगी, फिलहाल मुझे सिर्फ कुछ दिन आराम करना है, कहीं छुट्टी पे जाना है, क्योंकि बहुत नजबली में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, उसके बाद जो आएगा देखेंगे। दिव्यांग जी जीती है नजबली, ये तो आपको लगता है शी इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट, मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल डेफिनेटली जो भी कंटेस्टेंट वहाँ थे, जैसा कि मैंने ये फिनाले एपिसोड में भी बोला था कि जो टॉप थ्री आए थे हम, मैं और शोएब द टॉप, वी गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर टॉप फोर, तो हम थे जिन्होंने लास्ट मिनट तक उनकी जर्नी देखी, एंड नो डाउट हर एक जोड़ी ने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है, अपने हिस्से की मेहनत की है। ऑल सेट एंड डन, एक बात तो फैक्ट है कि अगर दिव्यांका की पॉपुलैरिटी की आप बात करो तो उसे कोई बीट नहीं कर सकता, एंड सोने पे सुहागा बात ये थी कि उसने उतनी ही मेहनत भी की, लाइक व्हेन दे स्टेप्ड इन ऑन द शो तो कोई उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज सब जानते थे कि वो लोग डांसर्स नहीं हैं, बट देन ग्रेजुअली इवेंचुअली दे पिक्ड अप, एंड दिव्यांका इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी, शूटिंग एंड उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद भी, शी पुल्ड इट अप, सो इट वॉज रियली नाइस एंड डेफिनेटली शी डिजर्व्स इट। तो आपने कहा कि आप छुट्टी में जाएंगे, तो कहाँ जाने वाली आप छुट्टी में? ये सब मैंने सोचा नहीं है, मैं इतना प्लानिंग करके कहीं कुछ नहीं करती, जो जब हो जाता है तब मैं कर लेती हूँ। अच्छा लास्टली, जब आप छुट्टियों पे जाएंगे तो क्या आलिया के डिजाइनर वेयर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आलिया के जो डिजाइनर वेयर हैं वो बहुत ही प्रेशियस हैं, और इनफैक्ट मैं ये भी आज पूरा वक्त संभालती हूँ, आई वाज सो स्केयर्ड, बाहर बारिश हो रही थी कि कुछ खराब ना हो जाए, और मैं ऐसे कपड़ों के मामले में वैसे ही बहुत केयरफुल रहती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, ये कपड़े यहीं अच्छे लगते हैं, एंड डेफिनेटली जब मैं कोई शूट्स करूँगी या जब किसी अवार्ड फंक्शन पर जाऊँगी तब मैं डेफिनेटली इनकी कलेक्शन उठाऊंगी, लेकिन छुट्टियों में खराब करने वाली ये कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये इसे संभाल के अच्छे से रखने वाली कलेक्शन है। तो आलिया के कलेक्शंस को किसी को एडवाइस देना चाहेंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर किसी? सबको, मेरे फ्रेंड्स तो हैं बहुत सारे हैं डेफिनेटली, एंड जब हम लोगों के इवेंट्स आते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे फटाफट से आता है ना, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, बट नाउ आई नो दिस प्लेस एंड आई कैन डेफिनेटली टेल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स की प्लीज कम हियर। थैंक यू सो मच।